हाय एवरीवन, दिस इज गीता कपूर। आई बेसिकली, आप सोच रहे होंगे कि मैं अपनी गाड़ी में बैठ के ये वीडियो क्यों बना रही हूँ। इसलिए क्योंकि मेरी मजबूरी है, मैं बाहर निकलती हूँ। इन लॉकडाउन के दिनों में भी मुझे हर सुबह अपनी माँ को देखने हॉस्पिटल जाना पड़ता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई हैव टू गेट आउट ऑफ द हाउस। आई हैव नो ऑप्शन बट विथ एवरी प्रिकॉशन। मेरी वीडियो उस बारे में नहीं है, इस बारे में है कि हर सुबह जब मैं जाती हूँ हॉस्पिटल तो मुझे एक बहुत ही साफ मुंबई नजर आता है। एंड वो सफाई इसलिए हो पाती है क्योंकि द बीएमसी इज वर्किंग अराउंड द क्लॉक टू कीप मुंबई क्लीन। आपका गार्बेज, आपका कचरा रोज सुबह इस तेजी और सफाई से निकाला जाता है, एंड दे आर वर्किंग सो हार्ड एट कीपिंग मुंबई क्लीन। सो आई वॉन्ट टू से थैंक यू टू द बीएमसी। आई वॉन्ट टू से कि आप लगातार काम कर रहे हैं, इसीलिए हम अपने आप में वी डोंट इवन रियलाइज के अगर ये कचरा रह जाए तो हमारे लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है ये, या ये कितना इट कैन बी सो डेंजरस। सो थैंक यू बीएमसी, थैंक यू टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई डोंट नो आपके शहर में ये होता है या नहीं, लेकिन मुंबई में डेफिनेटली हो रहा है कि हर सुबह आई कैन सी अमटीन नंबर ऑफ ट्रक्स दैट कम आउट। डंपर्स आते हैं और उनके साथ जो बीएमसी के कर्मचारी हैं जो लगातार काम कर रहे हैं मुंबई को साफ रखने के लिए, आई वांट टू से थैंक यू वेरी मच। मेरी एक दरख्वास्त है टू द पीएम ऑफ इंडिया, मोदी जी, अगर आप ये, आपको ये मैसेज किसी भी तरह अगर पहुंचता है तो इट इज अ रियल रिक्वेस्ट कि जो ये लोग हैं, जो कर्मचारी हैं बीएमसी के, जो हमारा कचरा रोज उठाते हैं इस माहौल में भी और इस विपदा के समय, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गिव देम मोर इंसेंटिव फॉर द गुड जॉब दैट दे आर डूइंग। एंड थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, एंड बीएमसी थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।